चिराग पासवान के बंगला खाली कराने पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला। कहा, रामविलास पासवान अंतिम समय तक बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी ने हनुमान के ही बंगले में आग लगा दी। बीजेपी के साथ खड़े रहने का परिणाम हुआ आग लगा दी गई। बंगला खाली कराने से पहले ही पार्टी में बीजेपी आग लगा चुकी थी, लोजपा के तमाम नेताओं को तोड़कर अलग कर दिया। इस पर चिराग ही जवाब देंगे कि क्या वो करेंगे। तेजस्वी यादव ने यूपी मॉडल पर बोला कि कहां बीजेपी को अब तक, क्या बिहार में सर्कस मॉडल लगता है क्या? बिहार की जनता को तो सर्कस मॉडल लग रहा है, यूपी मॉडल क्या है आज तक समझ में नहीं आया। बुलडोजर चलाना ही अगर यूपी मॉडल है तो बेरोजगारी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? योगी जी कहां बेरोजगारी, क्राइम और भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चलाए हैं। वहीं आज अंतिम दिन एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ है। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया, घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। तो ये तो इस पर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं, लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं है। अब इसमें हम क्या, कैसे अब हम इसमें क्या बताएं? ये तो जवाब चिराग जी ही दे सकते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अब कहा है कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है, पहले तो प्रवक्ता कहते थे, तो वो मानते हैं कि अभी सर्कस मॉडल है। अरे सर्कस मॉडल है, पूछिए तो नहीं पे, हम नहीं जानते, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है कि सर्कस मॉडल चल रहा है। और लाएगा कौन, क्या है मॉडल, क्या है मॉडल, क्या है हमको तो पता ही नहीं है। देश ही उनका मॉडल है, बुलडोजर ही उनका यूपी मॉडल है। क्या होता है वो, किस लिए, हमको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया भाई। बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पे चलाते क्यों नहीं है यूपी में? योगी जी ने कहाँ बेरोजगारी पे बुलडोजर चलाई, कहाँ क्राइम पे बुलडोजर चलाया, कहाँ भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाया? कोरोना काल में देखेंगे क्या स्थिति थी यूपी के, शब्द से सब आ रहे थे, किस पे बुलडोजर चला, किसी पे नहीं। सब कहने के लिए अब आप लोग देख ही रहे तो हम क्या देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।